शाहरुख खान के जन्मदिन के मौके पर सज रहा था मन्नत, अच्छे अच्छे पकवान बना रही थी गौरी खान। तभी सुबह सुबह शाहरुख खान के फैन के लिए आ गई ऐसी खबर, फूट फूट कर रोने लगे फैन। दुनिया को अलविदा कह चुके हैं बॉलीवुड के किंग। एक्स पर ट्रेंड करने लगा शाहरुख खान, रेस्ट इन पीस। टेंशन में आ गए दुनिया भर में शाहरुख खान के फैन। तभी रिपोर्ट में हुआ ऐसा खुलासा, खुली की खुली रह गई सबकी आंख। जन्मदिन पर अपने फैन को गम दे गए किंग खान, या दुश्मनों ने कर दिया घटिया मजाक। क्या सच में दुनिया को अलविदा कह चुके हैं शाहरुख खान? खुद लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर सवाल। फैन के इधर रो रो कर बुरा हाल, उधर कुछ नफरती चिंटू ने शाहरुख खान के मरने की खबर पर मना रहे हैं जश्न। बॉलीवुड के किंग, भारत की शान, फिल्म इंडस्ट्रीज की जान शाहरुख खान, जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों में एक अलग पहचान रखते हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग और लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं बचा है जहां लोग शाहरुख खान को न जानते हो। रिपोर्ट में यहां तक दावा किया जाता है कि दुनिया के कई ऐसे कोनों में जहां भारत का नाम लोग नहीं जानते, वहां शाहरुख खान का नाम जानते हैं। शाहरुख खान और भारत का रिश्ता ठीक वैसा ही है जैसे कोई कामयाब बेटा अपने पिता को अपनी कामयाबी के दम पर पहचान दिलवाता है, वैसा शाहरुख खान ने दुनिया के कोने कोने में अपने देश के लिए करके दिखाया है। लोग भारत को पहचाने या न पहचाने, लेकिन शाहरुख खान को लोग जरूर पहचानते हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले शाहरुख खान को लेकर नफरती चिंटू ने उनके जन्मदिन के मौके पर ऐसी हरकत कर दी जिसे देखकर शाहरुख खान के फैन रोने पर मजबूर हो गए। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे शाहरुख खान रेस्ट इन पीस एक्स पर क्यों ट्रेंड कर रहा है, और वो भी ऐसे मौके पर जिस दिन शाहरुख खान का जन्मदिन है। उससे पहले शाहरुख खान से जुड़ी हुई सबसे इम्पोर्टेंट बात जान लेते हैं जो गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाती है। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान 58 साल के हो गए, उनका जन्मदिन फैन के लिए किसी दिवाली या ईद से कम नहीं होता। 30 सालों से फिल्म इंडस्ट्रीज पे राज करने वाले बादशाह के चाहने वाले सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया में भरे पड़े हैं। तभी तो इनकी फिल्में दुनिया भर में खूब ताबड़तोड़ कमाई करती हैं। 2 नवंबर 1965 में जन्मे शाहरुख खान ने दिल्ली से पढ़ाई की, हंसराज कॉलेज से निकले और फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया तक पहुँचे। खुद के दम पर दिल्ली से मुंबई तक का सफर तय किया और फिर इंडस्ट्रीज को वो चमकता हुआ सितारा बन गए जो सबके लिए प्रेरणा बन चुके हैं। अक्सर लोग कहते हैं टीवी से करियर शुरू करने वाले बस पर्दे तक सीमित रहते हैं। शाहरुख खान ने इस धारणा को भी तोड़ डाला है। लेख टंडन के दिल दरिया, सर्कस से लेकर फौजी तक के ढेर सारे शो किए, फिर दीवाने से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया, जवान तक का सक्सेसफुल सफर तय किया। सिर्फ पॉजिटिव रोल नहीं बल्कि एंटी रोल भी शाहरुख खान ने करके दिखाया। लेकिन जन्मदिन के मौके पर शाहरुख खान को लेकर बेहद चौंका देने वाली खबर जो सामने आई है, उससे पहले शाहरुख खान से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर जान लेते हैं जो सबसे ज्यादा लोग सर्च करते हैं। शाहरुख खान की माँ का क्या नाम है? शाहरुख खान की माँ का नाम लतीफ फातिमा खान है। एक्टर ने अपनी माँ को साल 1990 में खो दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्टर की माँ काफी दमदार पर्सनालिटी थी। शाहरुख खान की माँ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की करीबी हुआ करती थी और वो जानी मानी मजिस्ट्रेट थी। शाहरुख खान भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से सम्मानित किए जा चुके हैं। फ्रांस, मलेशिया, मोरक्को, यूके समेत कई ऐसे देशों में इंटरनेशनल अवार्ड से शाहरुख खान को सम्मानित किया जा चुका है। अब जान लीजिए शाहरुख खान के कितने भाई हैं। शाहरुख खान की फैमिली में उनके माता पिता के अलावा सिर्फ एक बहन है जो एक्टर से बड़ी है, उनका नाम शहनाज लाला रुख है। वो काफी पढ़ी लिखी है लेकिन पिता को खोने के बाद उनकी तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। जब शाहरुख खान के पिता मीर ताज मोहम्मद का निधन हुआ तो बेटी इसका दर्द झेल नहीं पाई और वो डिप्रेशन में चली गई। 2 साल तक वो काफी बीमार रही। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बहन को स्विट्जरलैंड भी ले जाकर के इलाज करवाया। वो लाइमलाइट से काफी दूर रहती है। आखिरी बार उन्हें आर्यन खान के जेल वाले कॉन्ट्रोवर्सी के वक्त देखा गया था। शाहरुख खान की उम्र 58 साल हो चुकी है। उनकी हाइट 5 फीट 8 इंच है, डार्क ब्राउन आंखें और 75 kg का वजन शाहरुख खान को दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान बनाता है। एक सवाल शाहरुख खान के नाम को लेकर खूब पूछा जाता है कि उनका पूरा नाम क्या है, यानी असली नाम क्या है। एक्टर का पूरा नाम अब्दुल रहमान शाहरुख खान है। 2 नवंबर यानी आज ही के दिन दिल्ली में मीर ताज मोहब्बत और लतीफ फातिमा के घर में जन्मे और घर के छोटे लाडले हैं। एक्टर ने बचपन अपना कुछ दादा दादी के साथ बिताया, लेकिन इस बीच शाहरुख खान के जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे शाहरुख खान के फैन का दिल टूट गया। दरअसल बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के जन्मदिन पे कुछ नफरती चिंटू ने ऐसा कर दिया जिसे देखकर सोशल मीडिया का पारा हाई हो गया। एक्स पर शाहरुख खान के मरने की झूठी खबरें फैलाई जाने लगी। लोग इतने बेशर्म हो गए कि भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार के मरने की खबर पर खुशी मना रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग शाहरुख खान की इस खबर को सुनकर शॉक रह गए और उनके फैन का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही स्क्रीनशॉट 7 साल पुरानी है। यूरोप के एक चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में शाहरुख खान की मौत की खबर चलाकर सबको चौंका दिया था। हालांकि ये झूठी खबर निकली। उस दौरान भारतीय मीडिया ने इस खबर का खंडन किया था। यूरोपियन न्यूज नेटवर्क के चैनल LPS ने ब्रेकिंग न्यूज में चलाया कि शाहरुख खान 7 लोगों के साथ अपने प्राइवेट जेट से पेरिस जा रहे थे, तभी उनका प्लेन क्रैश हो गया। हादसा खराब मौसम की वजह से बताया गया। खबर के मुताबिक शाहरुख खान जिसकी वजह से शाहरुख खान की मौत हो गई। शाहरुख के हादसे की मौत की वजह से उनके फैन को बड़ा झटका लगा है। जैसे ही ये खबर यूरोप के चैनल ने प्रकाशित किया, वैसे ही मुंबई मिरर ने इस खबर का खंडन करते हुए एक रिपोर्ट छापी। मुंबई मिरर ने दावा किया कि मुंबई के ज्वाइंट कमिश्नर रहे देवेन भारती ने जब शाहरुख खान की टीम को फोन किया तो पता चला कि शाहरुख खान बिल्कुल ठीक है और मुंबई में शूटिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार नहीं है जब शाहरुख खान की मौत की झूठी खबर सामने आई हो, लेकिन इस बार मामला इससे ज्यादा गंभीर था क्योंकि ये खबर मुंबई के अलावा दुनिया के कोने कोने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से फैल रही थी। फिलहाल शाहरुख खान बिल्कुल फिट है, आज उनका जन्मदिन है। इस जन्मदिन के मौके पर फैन शाहरुख खान को ढेर सारी बधाई दे रहे हैं। वहीं कुछ शरारती तत्वों ने 7 साल पुराने स्क्रीनशॉट निकालकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शाहरुख खान के निधन की झूठी खबर फैलाई है, जो बेहद घटिया और निंदनीय है।